हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। गाइस फाइनली आज हम लोग चलने वाले हैं मुंबई के मरीन ड्राइव पर, क्योंकि यहां पर मुंबई में इस समय मानसून चल रहा है और भाई साहब काफ़ी गजब का मौसम हो रहा है, रोजाना बारिश हो रही है। तो आज हम अपने सभी यूट्यूबर भाइयों के साथ चलने वाले हैं मरीन ड्राइव पर और आपको मरीन ड्राइव का नज़ारा दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर बारिश के मौसम में भी वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगती है, क्या नज़ारा होता है वहाँ का, सब कुछ पूरा इस वीडियो में कंप्लीट आपको दिखाने वाले हैं। भाई साहब वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा कपल्स ही जाते हैं, सही बात है ना जी भाई? सबसे ज़्यादा कपल्स भाई अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत क्राउड एरिया भाई, बहुत भीड़ लगती है और वहाँ पर संडे को ना अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। मॉर्निंग के टाइम में आप लोग पहुँचेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो भाई साहब मरीन ड्राइव बहुत ही फेमस जगह है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मरीन ड्राइव का पूरा टूर कराने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों वहीं पर ना एयर इंडिया का मेन हेड ऑफिस है, जी हाँ, कई चीज़ें हैं वहाँ पर, वहीं पर वानखेड़े स्टेडियम भी है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख सकते हैं हमारे सामने ही मरीन ड्राइव है। आगे भाई रवि ले चल रहे हैं छाता खूब बड़ा सा, जिसमें सभी लोग ढक जाएंगे, और देखिए उधर क्राउड जा रही है भाई, लगातार लोग मरीन ड्राइव पे जाते रहते हैं, सामने ही है। फिलहाल चलिए वहाँ पर पहुँचते हैं और आपको उधर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए डबल डेकर की बस है भाई साहब, कितनी सुंदर लग रही है, ऊपर भी बैठ के आप लोग घूम सकते हैं। ये देखो ऊपर नीचे दोनों सीट लगी हुई है और पूरा मुंबई आप लोग इससे घूम सकते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट लोग इससे घूमना पसंद करते हैं और अभी हम मरीन ड्राइव पर ही पहुँचने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर पुलिस तैनात है भाई साहब, ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है और यहाँ पर कितना अच्छा हवा चल रहा है, क्या नज़ारा है भाई साहब, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो चलिए फिलहाल चलते हैं और आपको मरीन ड्राइव का पूरा टूर कराते हैं। यहीं से आपको क्राउड देखने को मिल रही होगी, कितना क्राउड है मरीन ड्राइव पर भाई, बहुत ही बढ़िया जगह है ये, फेमस जगह है भाई। ये देखो जल्दी से आ जाओ रवि। दोस्तों आइए पहले हाईवे को हम लोग पार करते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं, कारें होती हैं, वो बहुत ही तेज़ी के साथ पूरा फुल स्पीड में चलती हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम भी आराम से देख के क्रॉस कर लेते हैं भाई साहब। ये देखो भीड़, आधी भीड़ जा रही है तो आधी भीड़ आ रही है। ये है मुंबई का मरीन ड्राइव का नज़ारा, जहाँ पे फाइनली अभी हम आ चुके हैं। और आपको बता दें कि ये मुंबई का मरीन ड्राइव जो है ना, ये दक्षिण मुंबई में लगभग 4 किलोमीटर लंबा सैरगाह है, यानी 4 किलोमीटर लंबा में ये फैला हुआ है और टोटल 17 एकड़ में फैला हुआ है। देखिए समुद्र की लहरें कितनी तेज उठ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि हवा भी चल रही है और मुंबई में इस समय बारिश हो रही है। और अभी हम किला चंद चौक के पास स्थित है और यहाँ से देखिए ये एयर इंडिया का मेन हेड ऑफिस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर हॉस्पिटल भी है। और कितने लोगों की भीड़ है यहाँ पर, ये तो आप लोग देख ही सकते हैं गाइस। ये है एयर इंडिया का हेड ऑफिस, जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव यानी नरीमन पॉइंट के पास ही स्थित है। और ये उसका लास्ट छोर है जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और ये देखिए पानी की लहरें भाई, अरब सागर है ये, और इसकी जो लहरें हैं वो काफ़ी उफान पर है। आपको बताना चाहूँगा कि ये समुद्र रेखा के किनारे जो सी आकार का कंक्रीट फुटपाथ बना हुआ है ना, जिसपे लोग बैठे हुए हैं, इस प्रोमेनेड को क्विंस नेकलेस रोड के नाम से भी लोग जानते हैं। इसका कारण है रात में लगी स्ट्रीट लाइटें, जो ऊंचाई से देखने पर हार के डिजाइन प्रदर्शित करती हैं। रात में तो इसका नज़ारा भाई साहब काफ़ी ज़बरदस्त लगता है देखने में, और दिन में तो बात ही अलग है। दिन में तो आप लोगों को मैं ये वीडियो दिखाई रहा हूँ कि किस तरह से लोग अपने घोड़ को नीचे फेंक के बैठे हुए हैं आराम से, और समुद्र की लहरों का और सुनहरी सी हवाओं का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए बगल में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें पूरा पीछे तक बनाई गई हैं और यहाँ का नज़ारा कुछ एकदम हटके है, एकदम अलग है। मरीन ड्राइव ना एक सी के आकार का 6 लेन अरब सागर तट के साथ कंक्रीट की सड़क है, जिसका निर्माण ना 1920 में हुआ था और अभी तक लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। रोजाना यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ लगती है। देखिए इधर पर लहरें कैसे ऊपर उठ रही हैं, कैसे जाके पत्थरों से टकरा रही हैं, देख सकते हैं आप लोग। और लोग यही देखने के लिए, इसी का आनंद लेने के लिए आते हैं। ये देखिए लहरें उठ रही हैं, वो देखिए किनारे साइड, बाप रे भाई, मौसम ही वही है, बारिश का मौसम है भाई साहब, इससे भी तगड़े लहरें उठती हैं। इधर देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही होंगी, और अभी मैं आपको यहीं से मुकेश अंबानी का घर भी दिखाऊंगा, साइड लाते हैं आपको। और यहाँ देखिए लोधा बिल्डिंग के बगल में देखिए मुकेश अंबानी का हाउस, एंटीलिया हाउस दिखाई दे रहा होगा,
ये देखिए। और इधर अगर लाते हैं तो ये मालाबार हिल्स पर यहाँ पर विनोद खन्ना जी का वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और मुकेश खन्ना जी का तो यहीं पे है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं मरीन ड्राइव पे, यहीं पे मुकेश खन्ना जी का भी घर है। तो ये है भाई साहब मरीन ड्राइव का नज़ारा, जो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। आइए थोड़ा सा नीचे हम चलते हैं आगे तक, और उधर का भी नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ना रोज़ाना इसी तरह का भीड़ पाओगे, अगर बारिश भी होती ना तो बारिश में भी लोग निकलते हैं घर से, क्योंकि मुंबई वासियों को बारिश बहुत ही पसंद है। क्योंकि जब बारिश होती है मुंबई में तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, अगर बारिश से लोग डरने लगे तो उनका कोई काम ही नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर देखिए किस तरह से मरीन ड्राइव को बनाया गया है, मुंबई के मरीन ड्राइव को, भाई साहब लग रहा है आगे यहाँ पर कुछ हो रहा है चारों तरफ से। आइए चलिए देखते हैं, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा है, और मुंबई में संडे को तो यहाँ पे काफी मजा आता है, क्योंकि संडे का माहौल, संडे के दिन का माहौल जो होता है वो एकदम अलग होता है। पहले आइए देखते हैं यहाँ क्या होता है। लग रहा है भाई साहब कोई रैपर है, जी 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 ये रैपर है भाई साहब, यहाँ पर रैपिंग वगैरह कर रहे हैं और दर्शकों को लुभा रहे हैं अपने रैपिंग से। देख सकते हैं यहाँ पर भाई साहब डांस होना शुरू, और भाई साहब जो टोपी लगाए हुए हैं वो यहाँ पे रैप कर रहे हैं, और ये भाई साहब ट्यून बज जा के उस पर डांस कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, ये सब तो आम बात है। अभी हम लोग नरीमन पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज आपको बता दें ये मुंबई की बहुत ही फेमस जगह है। आइए थोड़ा सा ऊपर से आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए कपल्स लोग बैठे हुए हैं भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, हर बंदे यहाँ पर बैठे हुए आपको मिलेंगे। ये देखिए इधर भी लहरें भाई साहब आके ऐसे टकरा रही हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखने के बाद तो मन ही नहीं हो रहा कि हम घर जाएँ यहाँ पर। ये देखो भाई साहब क्या नज़ारा है, फैमिली वाले भी आए हैं अपने परिवार के साथ सभी लोग, और यहाँ का तो माहौल ही अलग है भाई, माहौल ही अलग है। वो इधर वानखेड़े स्टेडियम आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए। और ये देखिए कैसे लहरें टकरा रही हैं यहाँ पे, क्या नज़ारा है यार, शानदार नज़ारा है एकदम हटके। यहाँ पर आने के बाद तो मन ही नहीं होता कि यार कहीं जाए, मन होता है पूरा दिन का अपना टाइम जो भी होता है यहीं स्पेंड कर दें। फाइनली हम लोग काफ़ी आगे तक आ चुके हैं, नरीमन पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में ये चलता है कि नरीमन पॉइंट और मरीन ड्राइव एक ही है कि अलग है। भाई साहब हमारे समझ से तो एक ही है। यहाँ पर देखो सभी लोग अपने पैर को नीचे फेंक के बैठे हुए हैं, और अक्सर सभी लोग अपने पैर को यहाँ पर ना हिलाते रहते हैं भाई, हिलाते डुलाते रहते हैं, सभी लोगों का पैर हिलता डुलता रहता है। लेकिन आज काफ़ी शांत लग रहा है, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है तो लोगों को भी दिलों में ठंडी है। यहाँ पर देखिए पुलिस वाले हमेशा खड़ा रहते हैं कि किसी लड़की के साथ कोई छेड़खानी वगैरह ना करें, यहाँ पर अक्सर लोग वीडियो वगैरह ज़रूर बनाते हैं आके। दोस्तों यहाँ का नज़ारा काफ़ी हटके है, इधर देखिए भाई साहब अपने कपल्स के साथ लोग बैठे हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और इस तरह से अपना मुंबई के मरीन ड्राइव पर हर जगह आप देखने को मिलेगा आपको। आपको बता दें कि यह अरब सागर के किनारे किनारे नरीमन पॉइंट पर सोसाइटी लाइब्रेरी और मुंबई राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर ना चौपाटी से होते हुए मालाबार हिल तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने लोगों की ज़बरदस्त भीड़ है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे की साइड बढ़ते हैं और पूरा नज़ारा आपको यहाँ का दिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में ये था कि हम यहाँ पर मरीन ड्राइव कैसा होता है, क्या नज़ारे होते हैं, कितनी तगड़ी भीड़ लगती है। तो ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये लहरें भाई साहब, क्या लहरें उठ रही हैं आजकल समुद्र में, मानसून का समय चल रहा है और यहाँ पर लहरें भी बौखला गई हैं। ये देखो भाई, ये देखो कुछ लोग उठने लगे, ये देखो पूरा ना लहरें आ रही हैं, तो पानी उसका एकदम ऊपर तक चला आ रहा है। आपको बता दूँ अगर आप लोग कभी मुंबई आते हैं मरीन ड्राइव आना चाहते हैं ना, तो आप लोग मरीन लाइन स्टेशन या तो आप लोग चर्च गेट स्टेशन आ सकते हैं आराम से, और यहाँ से आप लोग मरीन लाइंस यानी मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, गिरगांव चौपाटी आराम से आप लोग आके घूम सकते हैं फैमिली के साथ, या सिंगल या कपल्स लोग यहाँ पर हमेशा आपको दिखाई देंगे। इसी तरह की भीड़ आपको रोज़ाना यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए गोल्डन बॉय, ये हर जगह गोल्डन बॉय लोग रहते हैं। गिरगांव चौपाटी जाइएगा आप, जुहू चौपाटी जाइएगा, बांद्रा बीच जाइएगा, हर जगह इसी तरह का गोल्डन बॉय आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा काफ़ी हटके है गाइज। तो फाइनली गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आपको मरीन ड्राइव यानी कि नरीमन पॉइंट का पूरा लाइव वीडियो दिखाया है, कि मानसून के टाइम में भी यहाँ पर
कितने लोगों की भीड़ लगती है, लोग घूमने के लिए आते हैं। और हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे ये मुंबई का मरीन ड्राइव ही है, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रात के टाइम में भी ऐसी ही भीड़ लगी रहती है भाई साहब, जो कि मुंबई का बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर कपल्स लोगों की भीड़ सबसे ज़्यादा लगती है। और इसी के बाजू में ही गिरगांव चौपाटी है, और ये है मुंबई के मरीन ड्राइव का नज़ारा। आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको मरीन ड्राइव का पूरा टूर करा दिया है, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को आप लोग जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करिएगा। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।